स्टूडेंट आई एम विश्वनाथ फ्रॉम सीसीएट एकेडमी, आई एम योर अकाउंट टीचर। टुडे वी डिस्कस लेक्चर नंबर 3 विच इज़ बिलोंग टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम फिर उसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो भी कि अकाउंटिंग टर्मोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीन ऑफ लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट्स अ बर्डन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की बर्डन होती है। मतलब जैसे कि हमने किसी आउटसाइडर से कुछ लिया है तो हमें उससे पेमेंट करना होगा, तो उसी को हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या तो हम किसी बैंक से लोन लें या फिर कोई किसी से कुछ उधार लें, तो वो मेरे लिए क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राम इज़ अ बिजनेसमैन, राम एक बिजनेसमैन है, ही टेक लोन फ्रॉम SBI फॉर ₹1 लाख। यहाँ पे राम ने ₹1 लाख का लोन SBI से लिया है, ठीक है। तो जो ये SBI से, मतलब SBI से जो लोन लिया है, SBI से जो उन्होंने लोन लिया है, ये उसकी क्या है, लाइबिलिटी। तो हम कह सकते हैं इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर। तो वो अमाउंट जो हमने किसी आउटसाइडर से लिया है, उसी को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम हिंदी में लेनदार कहते हैं। ये क्या हो, वो क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, जैसे कि हम किसी पार्टी से गुड्स, मतलब कोई कमोडिटी या कोई सामान अगर परचेस करें और उसे हम तुरंत पेमेंट ना करके कुछ दिन बाद पेमेंट करें, जैसे गुड्स परचेस फ्रॉम राहुल फॉर ₹10,000, हमने यहाँ पे राहुल से गुड्स परचेस किया है ₹10,000 का, बट पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, लेकिन अभी हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको हम बोलेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब ये उधार है, अभी तो हमने पेमेंट नहीं किया, हम इनको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब जिस बंदे से हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने यहाँ किससे गुड्स परचेस किया है, राहुल से, तो हमें 2 महीने बाद इनको पेमेंट करना है, मतलब। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ हैं क्योंकि हमने अभी तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन इन्हें हम साल भर के अंदर या 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, इसीलिए ये हमारी लायबिलिटी है। कुछ लोग इसको करेंट लायबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम 1 साल के अंदर ही इन्हें पेमेंट कर देंगे। तो राहुल क्या हो जाएंगे हमारे, राहुल इज़ ए क्रेडिटर्स। तो मोटा मोटी हम ऐसे समझे कि जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेस करते हैं, मतलब जब हम किसी से उधार परचेस करते हैं, तो जिस बंदे से हम परचेस कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इनकम। इनकम क्या होता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड इनकम। जब हम कुछ सेल करते हैं, कुछ कमोडिटी को सेल करके जब हम कुछ अर्न करते हैं, उसी को ही इनकम कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है आपके लिए, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब एक तरीके से क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब हम जो सेल्स कर रहे हैं, एक्सपेंस का मतलब किसी कमोडिटी को बनाने में हम उस पर कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, इसको समझ मोटा मोटी यहाँ समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमें 5 लाख का कॉस्ट लगा है। अब रेवेन्यू मतलब हम उस प्रोडक्ट को 6 लाख में बेच रहे हैं, 6 लाख में, तो हमें इनकम कितना हो रहा है, कुछ लोग इसको प्रॉफिट भी समझ सकते सोच सकते हैं। तो हमें कमोडिटी को बनाने में 5 लाख रुपये मैंने एक्सपेंस किए हैं और हम सेल कर रहे हैं 6 लाख का, तो मेरी टोटल इनकम कितने की हो गई यहाँ पे, 1 लाख। तो इनकम का मतलब क्या होता है कि जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को रिड्यूस कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस, सॉरी इनकम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटर्स। डेप्टर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन। जैसे हम अभी कुछ देर पहले क्रेडिटर्स में क्या बोला था मैंने, परचेस करते हैं, यहाँ पे हम किसी पर्सन को जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू रोहित फॉर ₹10,000, बट मनी रिसीव आफ्टर 2 मंथ। यहाँ पे रोहित को हमने कमोडिटी सोल्ड किया है, बेचा है, लेकिन उन्होंने तुरंत हमें पेमेंट नहीं किया है, वो हमें 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो अभी के लिए हम उनको क्या बोलेंगे, डेटर्स। तो जब हम किसी पर्सन को
गुड्स सोल्ड करते हैं और उससे पैसा हमें जब तुरंत नहीं मिलता है तो उस दैट पर्सन को, मतलब उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, डेप्टर्स बोलेंगे। और ये हमारा एसेट्स हैं, क्योंकि वो आज नहीं दो महीने बाद वो हमें पेमेंट कर देगा, ऐसे मेरी एसेट्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब क्या है, जब हम सेल के लिए या कुछ कमोडिटी बना, कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी हम उसके बनाने में खर्च, जो भी हम एक्सपेंस पैसा उसको लगाते हैं, उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमारी फैक्ट्री रेंट पे है, ठीक है, तो जो हम उसको उस फैक्ट्री का जब हम किराया देंगे तो वो जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, एक्सपेंस का मतलब सभी को जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेस फॉर रीसेल। जैसे कि अब हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते भैया आप किस चीज़ के बिजनेस, किस चीज़ के गुड्स बेचते हो, वो बोलता है मैं फर्नीचर का व्यापारी हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो मशीन का व्यापारी हूँ। तो जिसको जैसे कि अगर रीसेल, जैसे कि मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं फर्नीचर कहीं से लाता हूँ फिर उसको दुकान पर बेचता हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं से परचेस करके ला रहा हूँ फिर मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ ना। तो जब हम कमोडिटी को रीसेल करते हैं तो उसी को हम गुड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम इज़ अ ट्रेडर ऑफ फर्नीचर, तो राम जो है फर्नीचर का बिजनेस करता है, ठीक है, वो फर्नीचर या तो बनवा रहा है या कहीं से लेके आके फिर उसको रीसेल कर रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। लेकिन अगर हम ये टर्म हटा दें, यहाँ पे हम ट्रेडर को हटा दें, तो जब अगर राम अगर फर्नीचर खरीद के लेके आएगा तो उसके लिए वो गुड्स नहीं होगा, तब उसकी वो क्या हो जाएगी, तब वो उसका एसेट्स हो जाएगा। तो जिस जिसका हम रीसेल करें या जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स हैं। गुड्स का मतलब यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं। आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपकी एक मोबाइल की शॉप है, आप डीलर से मोबाइल ला के उसको अपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपना कमीशन बचा के जब मार्केट में उसको दोबारा सेल करते हो तो आप किस चीज़ तो आप किस चीज़ के व्यापारी हो गए, मोबाइल के। तो आपके लिए गुड्स क्या हो गया, मोबाइल, ठीक है।